वाला शेड है, फोर्थ वाला इसका शेड का नाम है कैलिप्सो। सो हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हो गया मंडे और आज मैं व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक अभी 9 बज रहे होंगे रात के, या फिर मे भी 9:30 हो गए हैं आज। इसलिए मैंने व्लॉग सुबह स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही थी। आई वॉज वेरी लेजी, बहुत सुस्ती चढ़ी हुई थी, तो कुछ खास नहीं हुआ, बस खाना बनाया। आज हमने भिंडी बनाई थी मैंने, एंड अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले, और कार मस्जिद जा चुका है, दासी खेल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बनाती हूँ, क्योंकि एक वो दारसी भी आ गई देखें जरा। तो मैंने कहा कि एक कंसिस्टेंसी पकड़ी हुई है रोज़ वीडियो अपलोड करने की, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। मुझे ना जब मैंने अपना मेकअप कलेक्शन वाला व्लॉग अपलोड किया था ना, उस पर किसी का कमेंट आया था कि अपनी जो लिपस्टिक्स है ना उनको सेपरेटली स्वैच करके दिखा देना, लिपस्टिक्स की कलेक्शन का अलग से बता देना, क्योंकि वो तब मैंने ना इतना वो नहीं गौर नहीं लिपस्टिक्स पे किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वही आज बना लेते हैं, जितनी बनती है, थोड़े से टाइम की बनेगी आई गेस, बट उसी से गुजारा कर लें। कल बहुत स्पेशल डे है, कल गुजार सिर्फ की नर्सरी की क्या ओपनिंग डे है, तो परसों से नर्सरी बेसिकली स्टार्ट हो रही है, बट कल हम इनवाइटेड हैं टू सी द नर्सरी एंड मीट द टीचर्स जो भी वहाँ पे हो। सो मैं बैठ गई हूँ इस टाइम मैदान में अपनी सारी लिपस्टिक्स को साथ लेकर, तो स्टार्ट करते हैं उस लिपस्टिक से, लिप कलर से, जो इस टाइम मैंने लगाया हुआ है। तो अभी मैंने दो कलर्स को मिक्स किया है। पहला कलर जो मैंने लगाया वो है निक्स का लिप क्रीम है, ये लिप क्रीम इन शेड साओ पोलो, इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अगर मैं प्रोनाउंस गलत भी कर रही हूँ आइडिया हो जाएगा क्या नाम है। और इसके साथ मैंने मिक्स किया है निक्स की ये पाउडर पफ इन द शेड ग्रुप लव PPLO3। तो ये वाली वैसे मेरी गो टू है, अगर मैं बाकी तो चलो कभी कभी लगाती हूँ, ये वाली जो है ना ये मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ कहीं भी जाना हो, क्योंकि रेड लिपस्टिक यू नो अगर तैयार नहीं भी हो तो रेड लिपस्टिक लगा लो तो सब कुछ कवर हो जाता है। तो दिस इज़ माय गो टू लिपस्टिक, इट्स नॉट अ लिपस्टिक बेसिकली, इट्स अ पाउडर पफ यानी कि टिंट जैसे लुक देता है। आई बेसिकली टुक अ शावर, तो मेरे बाल जो है ना वो हो गए थे थोड़े से यू नो वॉल्यूमिनस, तो इसलिए मैंने जो है ना वो कैचर लगा लिया है टू बी ईजी। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक्स, जितनी भी मैं ओन करती हूँ, कुछ मैंने ली थी बट आई गिफ्टेड, उसके अलावा मेरे पास जो अभी अवेलेबल मेरे पास पड़ी हुई है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी हैं और अच्छी हैं कि नहीं अच्छी। सो दिस वॉज द फर्स्ट एवर हुदा ब्यूटी बुलेट लिपस्टिक जो मैंने खरीदी थी। इसका शेड है प्रमोशन डे, और इसका हाल देखें जारसिफ ने क्या किया था। ही वॉज लाइक 1.5 या 2 ईयर्स का था तब, तो इसने जो है ना इसको पकड़ के पता नहीं ऐसे दबा दिया या क्या किया था, तो मेरे हाथ पे देखने लग गई है। इसका शेड मुझे बहुत पसंद था, ये मैरूनिश रेड है लेकिन बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने अभी तक फेंका नहीं कि चलो चल जाएगा किसी ना किसी तरह ब्रश के हाथ लगा लेंगे या किसी तरह, बट इसका हाल बहुत बुरा किया था जारसिफ ने, मुझे बहुत ही बुरा दुख लगा था तब। सो हुदा ब्यूटी की दूसरी बुलेट लिपस्टिक जो मेरे पास है वो ये है, और इसका शेड है एनिवर्सरी, और ये भी आपको मैं स्वैच करके भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ दिस शेड लुक्स, बहुत ही प्यारा सा ना न्यूड है ये। उसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी का लिप सेट लिया था, ये वाली मैट है और इसका शेड है ट्रॉफी वाइफ, और ये वाली ग्लॉसी है और इसका शेड है शेखा। तो अगर आपने ग्लॉसी लगानी है तो सिर्फ ये वाली लगा लें, मैट में सिर्फ ये वाली लगा लें, अगर आपने मैट और ग्लॉसी दोनों लगानी है तो फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें। इनके शेड्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट शेड है ये है ट्रॉफी वाइफ, और जो सेकंड वाला है वो है शेखा, और जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है ना वो है ट्रॉफी वाइफ फर्स्ट वाला। देन कम्स दिस किको मिलानो की, इसका शेड आई थिंक मिट गया हुआ है, बट दिस इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैरून और रस्ट, और ये इसका है शेड परफेक्ट मैरून और रस्ट का जो है ना ये मिक्सचर है, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला शेड। देन कम्स मैक का ये लिक्विड लिप कलर, और इसका जो शेड है वो है क्वाइट द स्टैंड आउट, और इस तरह से कुछ ये दिखता है, थोड़ा सा तेज है, ऑरेंजिश और रेडिश मिक्स हुआ हुआ है, बट लगा सकते हैं, तैयार होकर लगा सकते हैं। देन आई हैव मैक की दिस वाली, इसका शेड है डी फॉर डेंजर, और ये कुछ इस तरह से लगता है, थोड़ा सा ग्लॉसी भी है और इतना ग्लॉसी भी नहीं है, और बहुत अच्छा ना बर्गंडी टाइप शेड है इसका। नेक्स्ट लेट्स कम टू ABH, और इसका जो ये वाला शेड है ये अमेरिकन डॉल, और ये कुछ इस तरह से लगता है, परफेक्ट रेड जिसे कहते हैं ना वो है, मेरा तो ये बहुत फेवरेट है ये वाला शेड। उसके बाद एनेस्टेजिया की ही ये दूसरी है, और इसका जो शेड है वो है डेज्ड DAZED। तो ये भी जो है देखें कितना ग्लॉसी है और अच्छा भी है, मतलब ग्लॉसी है लेकिन उस तरह से नहीं कि जो उतर जाते हैं, तो परफेक्ट है। उसके बाद ये रेवलॉन का है, और इसका जो शेड है वो है सैंडलवुड बीच, और ये देखें कितना प्यारा शेड है, और इसकी जो शाइन है ना वो बहुत प्यारी लगती है मुझे।
देन कम्स मेबिलिन की ये सुपर स्टे वाली 117 इसका शेड नंबर है। इस तरह से ये कुछ लगती है, अगेन कैरेट और रेड ऑरेंज का मिक्सचर, रस्ट का मिक्सचर है। और आप लोगों के पास, आप लोगों को मेरे पास ज़्यादातर यही शेड नज़र आएंगे क्योंकि मुझे इस तरह के ही पसंद है, ये परफेक्ट। देन ये वाला जो है ना, ये मैंने पाकिस्तान से अलफता से ली थी, डियाना ऑफ लंडन इसका ब्रांड का नाम है। और ये इस तरह से है इसका शेड, बहुत ही स्वीट सा क्यूट सा शेड है इसका। और ये नंबर है 39 और ये मतलब सही प्राइस में भी था। नाउ लेट्स कम टू कलर पॉप की लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉसेस। और ये शेड है लव बग। और ये देखें शेड, मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कितना प्यारा शेड है ये। अगेन कलर पॉप एंड दिस इज़ द सेकेंड शेड। और इसका शेड इसके शेड का नाम है मामा एंड दिस इज इट। उसके बाद ये अगेन कलर पॉप की और इसका शेड का नाम है स्लो डाउन एंड दिस इज द शेड, ये थर्ड वाला। ये आप किसी डार्क कलर के साथ कॉम्बो करके लगाओ या डार्क के साथ मिक्स करके लगाओ, बहुत ही प्यारा शेड बन जाता है इसका। उसके बाद ये कलर पॉप की फोर्थ मेरे पास है और ये वाला शेड है फोर्थ वाला, इसका शेड का नाम है कैलिप्सो। और ये देखें ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद ये रेवोल्यूशन की है और ये शेड है इसका, इसका शेड थोड़ा सा ना प्लम टाइप है, जामन टाइप। और इसका जो शेड है वो है वेलवेट रिबेल के नाम से इसका शेड है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। उसके बाद ये स्टेज लाइन की मेरे पास है, आई गॉट इट एज अ गिफ्ट, शेड नंबर 6 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, परफेक्ट रेड अगेन। उसके बाद ये निक्स की क्रीम लिपस्टिक है, शेड नंबर इसका 4 है और ये इसका शेड है सॉफ्ट सा। ये वाली भी निक्स की है, ये वाली साओ पोलो जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है, पिंकिश सा शेड है इसका। उसके बाद ये निक्स की लिपस्टिक है, इसकी नाजुक सूरत हाल है इसलिए मैंने थोड़ी सी लगाई है। इसका इस वाली लिपस्टिक में शेड नंबर इसका 1 है, तो ये देख लें इस तरह से इसका शेड है थर्ड वाला। उसके बाद ये पैट मैकग्रेथ की मेरे पास है लिपस्टिक, इसका शेड है क्या शेड है, फुल पैनिक है और ये इस तरह से लगती है। उसके बाद ये सेफोरा की, और ये बहुत ही पुरानी है, जब मैं पाकिस्तान में थी ना तब मैंने 2100 की ली थी थ्रू एन ऑनलाइन पेज। ये इसका शेड है, मुझे बहुत ही पसंद था, आई रिमेम्बर मैंने इसको बहुत लगाया हुआ, अभी भी फेंकने का दिल नहीं करता क्योंकि अभी भी है। तो चलो देन बेरियम की मैट मी आप में ये वाला है मेरे पास, इसका शेड आई थिंक है रनवे एंड दिस इज द शेड। देन आई हैव दीज रेवोल्यूशन के दो ग्लॉसेस, पहला वाले का शेड है हाइड्रा ये वाला और ये फॉक्स है, तो फर्स्ट वन इज हाइड्रा सेकेंड वन इज फॉक्स, तो ये ग्लॉसेस हैं। देन स्लीक की ये मेटेलिक है लिप क्रीम और इसका शेड है इलेक्ट्रोप्लेटेड न्यूड। और ये आप शेड इसका चेक करें कितना डिफरेंट है, ये एज एन आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अभी तक मैंने एज ए लिप कलर इसको यूज़ नहीं किया बट ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद ये मेबिलिन की लिप ग्लॉस है और इसका शेड है पेटल एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स। मेरी बाजू की हालत देखें, इतनी लिपस्टिक्स लगा लगा के उतार उतार के इट्स नॉट ईजी, मुझे लग रहा था आराम से वीडियो बन जाएगी बट ये तो व्लॉग से भी ज़्यादा मुश्किल है। देन आई हैव दिस ब्यूटी बेकरी की क्यूट सीज की पैकिंग चेक करें, इसका ढक्कन गुम हो गया हुआ है, दिस इज द शेड, ये मैंने बहुत लगाया है मुझे बहुत पसंद था, ये यार सिर्फ बस कर दो। ये अगेन स्लीक की मैट है, इसका जो शेड है वो है शेबी चिक एंड दिस इज द शेड। उसके बाद ये कीको का क्रियॉन ग्लॉस है इन द शेड 5 और ये इसका शेड है, ये जो छोटा वाला पतले वाला नजर आ रहा है ना आपको, तो ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। उसके बाद मेबिलिन की ये चीक हीट मैं यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 35 है इसका शेड नंबर और ये बहुत ही प्यारा शेड है एज अ टेंट। जासिफ प्लीज स्टॉप। उसके बाद ये बॉडी शॉप का मैं उसके बाद मैं कुछ आपको अपने फेवरेट लिप लाइनर्स भी दिखा देती हूँ। ये एल ए गर्ल का है रास्पबेरी शेड में एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। उसके बाद अगेन एल ए गर्ल में ही बरगंडी शेड में है ये सेकेंड वाला। देन मैक का शेड ब्रिक में है ये थर्ड वाला। देन ये कलर पॉप की है मेरे पास ये वाला फोर्थ शेड, इसका शेड नंबर मुझे नज़र नाम नहीं कहीं पे नज़र आ रहा, ये फोर्थ वाला। देन ये निक्स की है SPL 807 ये फर्स्ट वाला शेड है। देन ये वेट एंड वाइल्ड की है, ये आप शेड नंबर खुद ही पढ़ लें, FAP आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, और ये सेकेंड वाला शेड है। हाँ जी, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं लिपस्टिक सारी दिखा दूंगी और बस काम खत्म हो जाएगा, पर ऐसी कोई बात नहीं थी, कैसा कोई सीन नहीं था।
इस तरह के वीडियोस बनाना जो है ना वो रेगुलर व्लॉग्स बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये मैंने अभी देखा है, आगे देखे मेरे बाजू का हाल, इतनी लिपस्टिक्स लगाओ उसको मिटाओ फिर लगाओ फिर मिटाओ, बाजू भी जा रही जो है ना वो नीली पीली हो रही है मेरी इस टाइम। तो खैर इतनी मेहनत की है मैंने, तो आप लोग जो है ना अब मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया अभी तक लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइज आर गिविंग मी अभी तक। तो ऐसे ही गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट्स में आइडियाज देते रहिए, देते रहना साथ साथ टू व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस आई शुड बी मेकिंग, व्हाट यू गाइस वांट टू सी, तो फिर उसके साथ उसके हिसाब से जो है ना आई विल बी मेकिंग वीडियोस। और चलें फिर आज की व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।